हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम अपने मामा घर जा रहे हैं और वहाँ पे अपने एक निठल्ले भाई को दिखाना चाहते हैं आपको। इनका नाम दुर्गविजय सिंह है, बट उनको हम प्यार से सरगम बोलते हैं। दो भाई हैं, एक शुभम सिंह और एक दुर्गविजय सिंह। तो एक तो भाई शुभम जी जो हैं वो तो मेहनती आदमी है, और जो उनका छोटा भाई है वो इतना कामचोर आदमी है ना, इतना कामचोर आपको हम बताएंगे तो कम पड़ जाएगा वो भी कि कितना वो कामचोर है। तो आइए हम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हम अभी अपने घर से निकले हैं और जा रहे हैं अलीपुर बनगामा अम्मा के घर। हमारा घर धर्मपुर कटरिया उपरवार में है। मॉर्निंग का टाइम है, टाइम आप देख ही सकते हैं 6:05 हो रहा है। आज स्पेशल आज उन्हीं से मिलने के लिए हम जा रहे हैं। हाँ, मैं मॉर्निंग के समय में लड़के सब वॉकिंग कर रहे हैं। चलिए तब उनके हमको देखे, जहाँ तक यकीन है वो अभी सो ही रहे होंगे, क्योंकि वो बिना 9 बजे या 10 बजे से पहले जग नहीं सकते। अगर कोई काम कर दो तो बहाने इतना बनाएंगे ना, एकदम बोलेंगे पेट दर्द कर रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा ही बोलते रहेंगे। अगर फुटबॉल खेलने को बोल दो, क्या बोलते हैं उसको, घूमने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, ये सब के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं, घूमेंगे क्रिकेट खेलेंगे, बट कोई काम बोल दो तो नहीं हो पाता है। तो आइए हम उनके घर ले। तो फ्रेंड, हम उनके गांव पहुंच चुके हैं अलीपुर बनगावा में, देख सकते हैं आप। और आइए अब उनके गाड़ी कहीं साइड में लगाते हैं, फिर चलते हैं उनके घर। एक में फ्रेंड्स आ चुके हैं हम उनके घर पे। गाइड्स चलते हैं फ्रेंड उनके घर, आपको दिखा रहे हैं। ये जो हमारी कार है, हम देख सकते हैं। आइए देखिए, क्या भाई अंधेरा है अंदर। ये बंदा दिन को भी रात कर चुका है, अभी ढूंढते अपना लाइट कहाँ है। देखिए तो आप सब देख रहे हैं, देखिए अभी तक ये बंदा सो ही रहा है। अगर ना कोई जगाएगा। गुड मॉर्निंग भाई साहब।